As I promised, I said that I will come with the fourth video Europe travel series ka, jiske andar main baat karne wali hu how you could travel, where you could stay and how to use public transport, because it's the major key thing to know. And we can also talk about the attractions, wahan ki safety tips kaisi hai if you are traveling, and wahan pe food vegetarians ke liye kya kya mil sakta hai. So guys, welcome to my channel. I am Manvi and my channel name is Live with Basics. I make video regarding lifestyle, travel and food related videos जहाँ मैं आप लोगों को suggestion देती हूँ कि अगर आप बाहर आए हैं UK में तो क्या खा सकते हैं. So make sure करिए कि मुझे subscribe करें ताकि आपको और informative सारी videos मिल पाए. आपने मेरी last video देखी है Disney वाली, तो आपको मैंने promise करा था कि मैं एक fourth video के साथ भी आऊंगी जहाँ पे मैं आपको सारी tips, trips सब बताऊंगी कि आपको Paris जाने के लिए क्या क्या information बहुत जरूरी है. So आज हम उसी के बारे में बात करेंगे. तो मेक श्योर करना कि आप लोग सब एंड तक वीडियो देखना, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉपिक दैट आई एम कवरिंग टुडे आई वाज ट्राइंग टू सर्च द सिमिलर इन्फॉर्मेशन ऑन यूट्यूब, बट लेकिन किसी ने भी ना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी. सो आई एम मेकिंग श्योर कि मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जो मुझे लगा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो और एनीबडी हु इज ट्रैवलिंग. सो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें वहां पे कैसे ट्रैवल करना चाहिए और कितने दिन के लिए ट्रैवल करना चाहिए. क्योंकि अगर आप पूरा यूरोप ट्रिप प्लान करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि पेरिस के लिए आपको कितने दिन रखने चाहिए. एंड एज पर माय आइडिया, जितना भी मैंने ट्रैवल करा है वहां पे, मुझे ये लगता है कि 3 से 4 दिन इज मैक्सिमम. मतलब आप 3 से 4 दिन में पेरिस पूरा कवर कर सकते हो. और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि हमें कब ट्रैवल करना चाहिए, उस टाइम कौन से ऐसे ऑफ सीजन होते हैं जो इट्स इजियर फॉर यू टू ट्रैवल, ताकि आप वहाँ पे सारी अट्रैक्शंस इजीली इंजॉय कर पाओ. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जुलाई एंड अगस्त को छोड़ के कभी भी प्लान कर सकते हो. जुलाई एंड अगस्त में यहाँ पे ज्यादातर स्कूल्स की छुट्टी होती है, बेसिकली दे आर ऑन ऑफ पीरियड. तो इसलिए जुलाई अगस्त में एवरीबडी ट्राइज टू गो एंड बुक यूरोप ट्रिप, वेदर इट्स फ्रॉम यूके और मे बी इन द यूरोप इटसेल्फ. अगर आप उसके बाद प्लान करते हो तो ठंड आ जाती है. अगर आप दिसंबर में प्लान करते हो तो वहां पर आपको क्रिसमस देखने के लिए मिल जाएगा. इट्स टोटली अप टू यू. अब बात करते हैं कि हम वहां पर ट्रैवल कैसे करें. तो वहां पे ना 3 एयरपोर्ट्स हैं, वन इज ओर्ली, वन इज चार्ल्स डे गोले एंड वन इज बोवेस एयरपोर्ट. सो जो ओर्ली एयरपोर्ट है दैट इज द नियरेस्ट फ्रॉम पेरिस सिटी सेंटर. बट मैंने बोवेस एयरपोर्ट से गई थी क्योंकि मेरा जो बर्मिंगम से फ्लाइट थी मुझे बहुत चीप फ्लाइट मिल रही थी रायन एयर की. मैंने रायन एयर से बुक करा था. बात करूं तो मेरे को 110 पाउंड में आने जाने की टिकट मिल गई थी, तो हमने वो बुक करा था. बट द ओनली प्रॉब्लम इज जो बोवेस एयरपोर्ट है वो सिटी सेंटर से 1 एंड 1.5 दूर है. तो मुझे लेकिन इजी ये पड़ा कि हम लोग जैसे ही बोवेस एयरपोर्ट से उतरे तो एक एरो बस करके सर्विसेज चलती हैं, वो आप बस की टिकट बुक कर सकते हो, आपको सिटी सेंटर तक पहुंचाती है. तो एरो बस को इधर या तो आप वहीं पे एयरपोर्ट पे उतर के बुकिंग करा सकते हो. बट मैंने क्या करा था, मैंने ओमियो करके एक बस ऐप है, मैंने उसके थ्रू ऑलरेडी बस का पूरा रिजर्वेशन मैं करके गई थी, बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू हैव एनी हैसल. डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और आपको क्या ईज पड़ती है. सो इट्स टोटली अप टू यू. तो मैंने आपको 3 नाम बता दिए ताकि आप जज कर पाओ कि आपके लिए क्या बेस्ट है. तो हमारा सेकेंड टॉपिक है कि हम कहाँ से होटल बुक करें और हमें कहाँ रहना चाहिए ताकि हम इजीली घूम पाए पेरिस में. तो पहले मैं बात करूंगी कि आप कहां से बुक कर सकते हैं. तो ईदर यू कैन डू इट फ्रॉम booking.com और trip.com. वहां पे बहुत ही अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं. उसमें भी दो बातें आती हैं कि वेदर यू शुड बुक अ होटल और यू वांट टू गो फॉर एयरबीएनबी. मुझे ईज चाहिए था, मुझे वहां पे कुकिंग नहीं करनी थी. मैंने सोचा अगर मैं जा रही हूँ 3-4 दिन के लिए तो आई शुड इंजॉय माई बेस्ट. बट अगर आप कोई ऐसे हैं जो बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं एंड यू आर ओके टू कुक, देन आई वुड से कि आप एयरबीएनबी के लिए जा सकते हैं. वहां इजी प्रोसेस रहेगा, आप लोग अपना खुद का खा बना के खा भी सकते हो. तो वो टोटली एक पर्सनल चॉइस है कि वेदर यू वांट टू गो फॉर होटल और एयरबीएनबी. और रही बात के कितना चीप है, कौन सा ज्यादा बेटर पड़ेगा, तो आई वुड से कि एयरबीएनबी होटल के प्राइसेस में कोई डिफरेंस नहीं. अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें एयरबीएनबी चीप पड़ेगा कि हम खुद कुक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता. वहां पे मैंने जितना नोटिस करा है प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर थे. तो इट्स टोटली योर पर्सनल चॉइस कि आप क्या बुक करना चाहते हो.
सो अब हम बात करते हैं कि आपको कहाँ रुकना चाहिए, विच इज द इजिएस्ट वन एंड विच इज द बेस्ट, बिकॉज आपको सेफ्टी भी ध्यान देनी है कि आप लोग कहीं पे भी रुके तो सेफ्टी भी होनी चाहिए और बहुत ज्यादा आपको ट्रैवलिंग ना करनी पड़े मेन अट्रैक्शंस देखने के लिए. तो मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि पेरिस ना 20 अरोंडिसमेंट में डिवाइडेड है, पर उसमें फर्स्ट टू 8 अरोंडिसमेंट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अगर अपना स्टे बुक कर रहे हो तो इस बीच में करना, क्योंकि वो थोड़ा नियरेस्ट पड़ता है अट्रैक्शंस के मामले में अगर आपको कहीं पे भी ट्रैवल करना है. क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल ही कर रहे हो तो अट्रैक्शंस घूमने का मजा नहीं आएगा. जो भी आपका होटल अमाउंट है वो बढ़ सकता है, तो आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको बेस्ट होटल मिल रहा है. आई पर्सनली स्टेड इन 7th अरोंडिसमेंट, वो बहुत ही अच्छा एरिया था, इट वॉज अ वेरी हैपनिंग एरिया. वहां पे इतने सारे रेस्टोरेंट्स थे तो मुझे खाने की दिक्कत भी नहीं पड़ी. मैकडोनल्ड्स था तो कुछ भी नहीं है तो मैकडोनल्ड्स तो खा ही सकते हैं वेजिटेरियंस, कुछ ना कुछ ऑप्शन तो मिल ही जाता है. एंड मेरे होटल से एफिल टावर वॉज ओनली 15 मिनट्स वॉक. अगर आप चाहोगे तो मैं अपने होटल की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या मेजरली जितनी भी चीजें हैं जो मैं बात कर रही हूं या कोई आपको हेल्प कर सकती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, वो इजी पड़ेगा आप लोगों को देखने के लिए. तो आई वुड से फर्स्ट टू 8th अराउंडिसमेंट में बुकिंग करना. एंड इसका एक और रीजन है क्योंकि जितने भी मेजर अट्रैक्शंस हैं पेरिस के, लूव्र, एफिल टावर, योर आर्क डी ट्रायंफ, वो सब जोन 1 में पड़ते हैं. तो वो जो जोन 1 है उसमें ही ये फर्स्ट टू 8th अराउंडिसमेंट आस पास ही है, तो वो इजी पड़ेगा. इसके साथ मैं आपको एक और चीज भी बता देती हूँ एज अ टिप, आप कोशिश करना दैट यू पैक वेरी लाइट. द रीजन इज यहाँ पे पेरिस का, चाहे आपका मेट्रो हो चाहे आपके होटल्स हो, ये मेजरली सब पुराने बने हुए हैं और यहाँ पे एस्केलेटर्स और लिफ्ट नहीं होते. यस यू हर्ड मी राइट, यहाँ पे एस्केलेटर्स और लिफ्ट नहीं होते. तो आपको मुश्किल होगी अगर आप बहुत ज्यादा पैकिंग कर रहे हो, बड़े बड़े बैग्स ले रहे हो, तो आप मेक श्योर करना बैंड बजने वाली है, क्योंकि आप लोग इतने बड़े बड़े बैग्स उठाने पड़ेंगे. अगर इन केस आपको 5th फ्लोर पे मिल जाता है होटल का रूम, तो आप खुद सोच सकते हो आपको कितना ऊपर नीचे करना पड़ सकता है. तो मेक श्योर करना कि जितना हो सके, कम से कम सामान हो सके वो ही पैक करना, ज्यादा कुछ पैक मत करना. आई पर्सनली डिड अ बैकपैक ट्रिप, मेरे पास एक लिटरली एक लैपटॉप बैग था, उसके अंदर मैंने सब कुछ अपनी नेसेसिटीज रखी थी, छोटा छोटा पैक कर रहा था ताकि मुझे इजी रहे. आई न्यू इट कि मुझे बैग के साथ ट्रैवल करना पड़ सकता है. तो मैंने भी ये चीज नोटिस करी है कि पेरिस की जो मेट्रोज हैं वहां पे प्रॉब्लम ये है कि जो पुरानी वाली है वहां तो आपको एस्केलेटर्स नहीं मिलेंगी, नई में फिर भी मिल सकती हैं. तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर पैकिंग लाइट. वन मोर थिंग, ट्राई नॉट टू कीप कैश. कैश बहुत जल्दी चोरी हो जाता है, कोशिश करना. अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो फॉरेक्स कार्ड से बेटर कुछ है ही नहीं. फॉरेक्स कार्ड अपना टॉपअप करा ले, किसी भी बैंक में आजकल इजीली बन जाता है, फॉरेक्स कार्ड टॉपअप करें. और अगर आप यूके से जा रहे हो तो मैंने क्या करा था, मैंने एक ना मोन्जो कार्ड बनाया था, मैं नीचे उसका लिंक दे दूंगी. मोन्जो कार्ड में क्या होता है, जब आप मोन्जो कार्ड में अपने पाउंड्स डालते हो और वहां पे टैप करते हो, वो ऑटोमेटिकली यूरोज में कट होते हैं. तो उससे आपको क्या इजी होगा कि आप जब भी जैसे भी टैप कर रहे हो ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वट एवर यू वॉन्ट टू पे फॉर फूड, फॉर एनी अट्रैक्शन, जस्ट टैप इट और वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही कन्वर्जन करेगा और वो कट कर लेगा. आपको बैलेंस भी पता रहेगा अपनी एप्लीकेशन के थ्रू कि कितना मेरा अमाउंट बचा है. तो फॉर इंडिया आई वुड से फॉरेक्स कार्ड, और फॉर एनी पीपल हु आर कमिंग नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान और फॉर एनीबडी, जस्ट कम विथ फॉरेक्स कार्ड, टैप करो, कैश मत रखना. आई हैव हर्ड लॉट ऑफ थिंग्स के यहाँ पे पिक पॉकेटिंग बहुत होती है, फोन्स लोग चोरी कर लेते हैं. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज तो करो बट बी वेरी विजिलेंट, बी वेरी अटेंटिव. अब हम थर्ड टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि हम अंदर पेरिस में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, क्या बेस्ट ट्रांसपोर्ट है, क्या हमें कार करनी चाहिए, हमें कैब करनी चाहिए, क्या करना चाहिए. अगर आप मुझसे पूछोगे आई वुड से कि गो फॉर देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देयर मेट्रो सिस्टम इज वेरी गुड, देयर बस सर्विसेज इज वेरी गुड. सो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, इट वुड बी इजी ऑन पॉकेट एज वेल एज सब कुछ इतना इजीली वहां पे सब कनेक्टेड है, तो आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली यूज कर सकते हो. द मेट्रो सिस्टम है ना, वो ना जोन 1, 2, 3, 4, 5 तक बना हुआ है, और जो भी 5 से बाहर का एरिया है पेरिस का, दैट इज सबर्ब एरिया. तो उसमें क्या है, अगर आप वहां पे मैप भी देखोगे ना, और अगर मुझे मिला तो मैं यहाँ लगाऊंगी भी, कि यहाँ पे क्या है कि जोन 1 ऐसे बॉक्सेस में जाता है, जोन 1, 2, 3, 4, 5. सो
आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थ्री टाइप की ट्रैवलिंग सिस्टम है. वन इज योर पॉइंट टू पॉइंट टिकट. जैसे आप मेट्रो स्टेशन में जाओगे वहां सर्विस डेस्क होता है, वहां इजीली आप सर्विस डेस्क पे जाके अपना बता सकते हो कि आपको कहाँ जाना है, वो आपको हेल्प कर देंगे. बट फिर भी मैं आपको ईज आउट करने के लिए बता दूं कि वहां एक होता है पॉइंट टू पॉइंट टिकट. जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे दिन में सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप वहां बताओगे या मशीन्स भी लगी होती है, वहां एक टिकट निकलती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो. लेकिन जो ट्रैवल कर रहे हैं वेकेशंस के लिए आए हैं उनके लिए क्या बेटर रहेगा, क्योंकि टिकट आप बार 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 लाइंस में नहीं लग सकते. देयर आर टू ऑप्शंस. वन इज नेविगो पास एंड द अदर थिंग इज नेविगो डेकोवे कार्ड. आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, अगर नहीं तो मैं यहाँ पे जरूर लिख दूंगी. सो डेकोवे कार्ड क्या होता है, होता है मंडे टू फ्राइडे के लिए एप्लीकेबल होता है. इसके लिए क्या होता है, यू गो टू सर्विस काउंटर एंड टेल देम दैट यू नीड अ डेकोवे कार्ड. फॉर उसके लिए आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ता है उनको, और उसके बाद वो आपको एक कार्ड बना के देंगे. उसमें एक अमाउंट टॉपअप हो जाता है, एक सर्टेन अमाउंट का वो होता है, आपको बता देंगे कितने का है. और मुझे पता हुआ तो मैं नीचे डाल दूंगी. मैं आप मंडे से लेके संडे तक कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, वेदर इट्स बस, वेदर इट्स ट्रैम, वेदर इट्स ट्रेन, वेदर इट्स मेट्रो, वो आपका फ्री हो जाता है, आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन इसमें एक कैच है. लेट से आपने फ्राइडे आप पहुंचे हो पेरिस में और आपने टेकअवे कार्ड बनाया, तो ऐसा नहीं है कि वो फ्राइडे से लेके फ्राइडे तक चलेगा कि वो सेवन डेज का. नो, इट वर्क्स लाइक कि वो फ्राइडे टू संडे ही चलेगा. सो बेसिकली बनाए से मंडे टू संडे. अगर आप मंडे आ रहे हो, अगर संडे तक यूज कर रहे हो वो तभी फायदेमंद है. लेकिन अगर आप फ्राइडे आ रहे हो तो वो संडे को ओवर हो जाएगा. तो इन माई केस वो डेकोवे कार्ड वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सैटरडे पहुंची थी और फिर मैं मंडे को निकली थी, तो उसका कोई मेरे को फायदा नहीं था लेने का. तो उसकी जगह मैंने लिया था नेविगो पास. नेविगो पास क्या होता है, वो एक 2 यूरो का एक कार्ड बन जाता है, जस्ट लाइक अ दिल्ली मेट्रो हमारे कार्ड्स होते हैं. उसमें 100 रुपीज लेते हैं आई गेस एज अ सिक्योरिटी. ऐसे ही यहाँ पे 2 यूरोज होते हैं, तो 2 यूरोज का वो कार्ड बन जाता है. आप उसको इजिली टॉपअप करो, उसमें आप टिकट्स को टॉप अप कर सकते हो. एंड इट इज एप्लीकेबल इन बस, इन योर ट्रैम, इन योर ट्रेन. आरिया ट्रेन अगर आपको डिज्नीलैंड जाना है तो वो Zone 5 में पड़ता है. तो पैलेस ऑफ वर्सायल्स एंड डिज्नी सब बाहर पड़ते हैं, Zone 5 आई थिंक. तो उसमें भी आपका वो कार्ड यूज हो जाता है. तो आई होप ही आप लोगों को क्लियर हो गया हो. अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, आई विल मेक श्योर कि मैं सबको आंसर कर पाऊं. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हमें कौन कौन से अट्रैक्शंस वहां पे देखने चाहिए. अट्रैक्शंस के लिए बोलूं तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहती, बिकॉज आई नो ये ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है वीडियो. तो आप चाहो तो मैं अपनी प्लेलिस्ट लगा दूंगी इस यहीं पे सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो, आप प्लान कर सकते हो आपको कहाँ जाना चाहिए. बिकॉज आई नो कि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं थोड़ा प्लानिंग तो हमारे दिमाग में होती है हमें क्या देखने हैं, बट सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं कि हमें कहाँ घूमना है, क्या करना है. तो डिज्नीलैंड करना अगर आप चाहो, पैलेस ऑफ वर्सायल्स कर सकते हो. मैं सारे नाम नीचे डाल दूंगी ताकि ईजी रहेंगे, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो. एज आई एम सेइंग इट अगेन, इट्स अ पर्सनल चॉइस आप कहाँ घूमना चाहते हो. के बाद हम आते हैं कि हमें अट्रैक्शंस के लिए टिकट कैसे बुक करनी चाहिए. तो आई वुड से कि गो फॉर गेट योर गाइड. गेट योर गाइड इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है. गेट योर गाइड पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. उसमें आप को अगर लूवर की टिकट करानी है इनसाइड, इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड टू वॉच मोनालिसा पेंटिंग, इफ यू आर लाइक आर्ट इंथुजियास्ट तो आप वहां जा सकते हो. अगर आपको आर्क डी ट्रायंफ के टॉप पे जाना है उसके लिए भी आप वहां से बुक कर सकते हो. एफिल टावर की टिकट्स बुक कर सकते हो ऊपर जाने के लिए. एंड इफ यू वांट डिज्नीलैंड की भी वहीं पे टिकट कर सकते हो. तो गेट योर गाइड इज समथिंग यू कैन गो फॉर. एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर, मैंने कहीं पे देखा था Klook.com. Klook.com का भी यही सिमिलर प्रोसेस होता है, तो आप वहां से भी बुकिंग कर सकते हो, तो ईजी पड़ेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी. आप वहां ट्रैवल कर रहे हो तो सेफ्टी आपकी बहुत जरूरी है. जैसे कि मैंने बोला कि मेट्रो में पिक पॉकेटिंग होती है, बाहर भी अगर आप घूम रहे हो तो मेक श्योर करना है कि बहुत सेफली रहो. वैसे तो वहां के पीपल आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी स्माइलिंग एंड हम्बल, बट हर शहर में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है. तो आप अपनी सेफ्टी हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगी. सो बी विजिलेंट, आई एम सेइंग इट अगेन, डोंट कैरी कैश. जितना भी हो सके कम कैश कैरी करो. वहां पे टैप सिस्टम बहुत ईजी है, कार टैपिंग सिस्टम इट्स वेरी वेरी ईजी. पासपोर्ट, अगर आपका होटल बहुत ही अच्छा है एंड यू नो के यू नो सेफ्टी पर्पसेस से होटल इज गुड, पासपोर्ट मत कैरी करना.
कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन निकल जाएगी तो आपको बहुत मुश्किल होगी. तो सेफ्टी इज समथिंग आई वुड से कि थोड़ा सा ध्यान देना, घूमना पर ध्यान भी देना अपने आप पे. ट्रैवलिंग के लिए अगर कुछ नेविगेट या किसी से पूछना कि यू नो ये कहाँ से जाए कहाँ से जाए, द बेस्ट इज गूगल मैप्स. कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए द बेस्ट एप्लीकेशन इज गूगल मैप्स. गो फॉर दैट कि हम लूवरे से एफिल कैफे कैसे जाएं, एफिल से नोटरडेम कैसे जाएं, तो वो इजीली सब कुछ बता देगा विद मैप कि अच्छा यहाँ पे ये आप ये ट्रेन ले सकते हो, ये बस ले सकते हो, ये नंबर की बस यहाँ पर आएगी. ईजी है, डोंट ओवर थिंक. लास्ट थिंग इज, अब बारी आती है फूड की कि हम फूड कैसे खाएं. मोस्टली हम लोग वेजिटेरियंस होते हैं, एंड जो वेजिटेरियन भी नहीं है, कभी कभी हम लोगों को जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं ना उनको ना टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बट आई वुड से फूड बहुत अच्छा है वहाँ का. यू कैन सिंपली टेल देम, एक तो ये लैंग्वेज बैरियर भी है, वहाँ पे लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो सिंपली आप प्यार से बोलो एंट्री कर रहे हो कहीं पे भी, ऑलवेज ग्रीट देम विद बोंजूर, इट मीन्स हेलो. स्पेसिफिक थोड़ा थोड़ा फ्रेंच वर्ड सीख जाना ताकि आपको समझ में आए कि थैंक यू कैसे बोलते हैं, यू नो हेलो कैसे बोलते हैं. तो आप बोलोगे स्टार्टिंग में बोंजोर एंड आस्क देम डू यू स्पीक इंग्लिश, एंड इफ दे वुड से कि या वी स्पीक अ लिटिल बिट और वी येस वी आर फ्लुएंट विद इंग्लिश, तो आप ये बोल सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट योर कॉन्वर्जेशन वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क देम. फ्रेंकली स्पीकिंग वहां पास्ता बहुत इंजॉय करा मैंने, 3 या 4 जगह वहां पे पास्ता खाया अरबियाता, बिकॉज आई न्यू इट कि ये सेफेस्ट ऑप्शन है इन वेजिटेरियन, या फिर मार्गरीटा पिज्जा होता है वहां पे, लेकिन मैंने देखा कि मेन्यू में बहुत वेजिटेरियन ऑप्शन होता है और ज्यादातर ना फ्रेंच में लिखा होता है. तो अगेन गूगल कम्स टू रेस्क्यू, गूगल से टैप करके आप ट्रांसलेट कर सकते हो, इजिली पता लग जाता है कि इसमें क्या क्या है. और अगर आप वहां उनसे भी पूछोगे दे विल ऑल्सो नो दैट आई सेड कि आई डोंट ईट एग, आई एम अ वेजिटेरियन, सो दे ऑल्सो अकोमोडेटेड इन दैट सेंस कि उनके अरबियाता पास्ता में इट वॉज अ नॉन वेज अबेट, उन्होंने मेरे लिए वेजिटेरियन बनाया. सो ट्रस्ट मी इस केस में पीपल आर वेरी हम्बल. पता नहीं मुझे समझ नहीं आता कि मैं जब जाने वाली थी पीपल वर लाइक वहां के लोग रूड होते हैं, बात नहीं करते. नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था. आई एंटर्ड अ शॉप, द पर्सन वॉज ऑलमोस्ट क्लोजिंग एंड ही ग्रीटेड मी सो नाइसली, और मैं इवन उनसे पूछ भी रही थी कि इस वर्ड को क्या बोलते हैं, हाउ डू यू से इट इन फ्रेंच, एंड दे वर वेरी स्माइली. और मैं आई थिंक गलती से रोड क्रॉस कर रही थी, आइडियली वो मेरी गलती थी. देर वॉज अ पर्सन राइडिंग द बाइक, ही स्टॉप, ही स्माइल्ड एंड ही सेड इट्स ओके यू कैन क्रॉस द रोड. आई मीन इट्स, इट वॉज सो हम्बल, इट वॉज सो नाइस. मुझे वहां जाके ना लोगों के फेस पे स्माइल दिखी. आई होप कि मैंने जितना कुछ भी बताया, मैंने जितनी चीजें बताई हैं, मेक श्योर करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ताकि आपको हेल्प मिले. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखना या कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी. एंड आई एम होपिंग कि मैंने सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं इस वीडियो में. आई एम टेलिंग यू अगेन, ये मुझे कहीं नहीं मिला था इंटरनेट पे, दैट्स व्हाई आई थॉट टू सिट एंड मेक दिस वीडियो. होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू. And if you really like the video, do leave a smiley comment and I'll be very happy whatever I'm doing and you guys are liking it. If you want to see something else, I'm here, you can post something and I will get in touch with you. And also meri day to day life ki choti choti knick knack things I always post it on Instagram, so make sure karoge Instagram pe bhi mere sath connect ho sakte ho or you can say hi. So thank you so much video ke end tak bane rehne ke liye. I will see you in the next video, because next bahut sari cheeze aane wali hai, I'm telling you bahut sari cheeze aane wali hai, aap logo ko bahut maza aane wala hai. So keep loving, supporting, subscribe, notification bell on kar lena. Bye, ciao.